My dear friends, you guys are most welcome in our video session and you people are watching IT Adda. आज का वीडियो थीम है माय डियर फ्रेंड्स हाउ टू कॉन्फ़िगर आउटलुक 2016. सो बेसिकली आज हम जीमेल को आउटलुक 2016 पे कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे. इसके लिए सबसे पहले आपको अपने जीमेल पे वो पॉप आई मैप की जो सेटिंग्स करनी होती है वो आपको करना ही है. तो सबसे पहले आप अपने जीमेल को लॉगिन कर लेंगे. लॉगिन करने के बाद सेटिंग्स, सी ऑल सेटिंग्स, फॉरवर्डिंग पॉप एंड आई मैप, चेक ऑन पॉप फॉर ऑल मेल एंड ऑल्सो इनेबल आई मैप, देन सेव चेंजेस एंड एग्जिट. अगेन क्लिक ऑन योर प्रोफाइल पिक, मैनेज योर गूगल अकाउंट, गो टू द सिक्योरिटी मेन्यू and verify that your step to verification is already enabled or not. If it is, so move on next. Go to the search bar and type app passwords. Click on that. यहाँ पे आपको अपने मेल को लॉगिन करना पड़ेगा पासवर्ड देके. Okay. वंस आप मेल लॉगिन करेंगे तो आप ऐप पासवर्ड्स पे आ जाएंगे. सेलेक्ट कस्टम नेम, टाइप आउटलुक एंड जनरेट. नाउ योर पासवर्ड इज हियर, कॉपी एंड मिनिमाइज दिस विजार्ड एंड हियर यू हैव टू सर्च आउटलुक. सो हियर आउटलुक 2016. Click on that. This wizard will pop up at front of you and click on file menu. आपको यहाँ पे add account option मिल रहा है. add account पे जाएंगे. यहाँ पे आपको अपना email type करना होगा, like जो भी आपका email ID हो वो आप यहाँ पे type करेंगे. ठीक है, email type करने के बाद आप यहां सीधे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे. इट विल आस्क पासवर्ड. ओके, तो पासवर्ड में जो ऐप जनरेटेड पासवर्ड है वही आपको फिल करना है एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट. ये ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग्स करेगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है. अब आज की डेट में जो आउटलुक आ रहा है वो स्मार्ट आउटलुक आ रहा है. पहले बहुत सारी सेटिंग्स करनी होती थी, अब आपको कोई भी सेटिंग्स वगैरह कुछ नहीं करना है. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा आउटलुक कॉन्फ़िगर हो चुका है और ये कनेक्टेड भी बता रहा है. नाउ गो टू द सेंड एंड रिसीव. आई थिंक इट इज़ सिंकिंग. तो ये सारी मेल को सिंक करेगा. While it is not responding, that doesn't matter. And here you have to verify that your all the, you know, SMTP and POP both are working or not properly. यहाँ send and receive पे जाके send all receive folders पे चेक करेंगे. तो यहाँ पे syncing चल रही है, synchronization हो रहा है. मतलब आपके mail server से, मतलब आपके mail inbox से सीधे आपकी सारी mail जो है आपके local computer में यू नो स्टोर हो रही है. तो ये प्रॉपर हो जाने के बाद यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन राइट दिखाएगा. सो इस तरीके से हम अपने जीमेल को आउटलुक 2016 पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है. ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो डेडिकेटेड है हाउ टू टेक बैकअप. आउटलुक का बैकअप कैसे लेंगे, बेसिकली आउटलुक की डेटाबेस फाइल्स की लोकेशन क्या है, कहाँ से कहाँ पे कंटेंस होती है, इन सब सारे सब्जेक्ट पे अब डिस्कस करेंगे अब अगले वीडियो में. सो आप लोग यदि वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट विजिट किया हुआ है चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे जिससे आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिल सके. सो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.